hello guys welcome back to my channel how are you i hope you all are well today we are going to discuss the question answers of the lesson the girl on the train and i am having the book learnwell smart class 7 and the first part we have already discussed in my previous video and the second part question answers we are going to discuss now the first question is the narrator says then i made a mistake what was the mistake why did he think it was a मिस्टेक एंड दिस आंसर आई हैव रिटर्न हेअर द नरेटर आज द गर्ल वट इट वॉज लाइक आउटसाइड द ट्रेन ठीक है जब नरेटर ने, ने उसे गर्ल से पूछा था कि भाई बाहर आपको कैसा लग रहा है ट्रेन से बाहर तो ही कॉल्स इट अस्टेक तो जब उसने उसे बात पूछी तो उसको ये बोलता है कि मुझे ना लग रहा है कि मिस्टेक है बिकॉज यू डिनॉट वॉन्ट द गर्ल टू नो दैट ही वॉज ब्लाइंड क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि गर्ल को पता लगे कि वो ब्लाइंड है सेकंड क्वेश्चन क्या टू हाइड फ्रॉम द गर्ल द फैक्ट दैट ही वाज ब्लाइंड कि वो क्या ऐसा करता है कि जिसे गर्ल को पता नहीं चले कि वो ब्लाइंड है ही हिज फेस द विंडो और कि जो अपना फेस है वो विंडो के साथ टर्न तो अं कर लेता है मेड अ प्रीटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप आउसल और इस तरीके से दिखावा करता है कि वो बाहर कुछ लैंडस्केप लिखा हो पढ़ रहा है वट डिट द नेटर से टू गर्ल अबाउट हर फेस वॉज इट अंसियर कॉम्प्लीमेंट ठीक है नरेटर क्या कहता है गर्ल के बारे में उसके फेस के बारे में क्या वो एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट था ही सेट दैट उसने उसको बोला कि द गर्ल हैड एन इंटरेस्टिंग फेस गर्ल का एक इंटरेस्टिंग फेस था बट इट वॉज a सिंसियर कॉम्प्लीमेंट लेकिन वो सिंसियर कॉम्प्लीमेंट नहीं था क्योंकि बिकॉज द नरेटर या राइटर वॉज ब्लाइंड क्योंकि नरेटर था वो ब्लाइंड था ही वॉज ओनली ट्राइंग टू प्लीजर वो सिर्फ उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था डो यू थिंक द गर्ल हैड अ प्रिटी फेस हाउ केन यू से दैट येस द गर्ल हैड अ प्रिटी फेस गर्ल का अच्छा सुंदर फेस हा शी हर्सल सिर्फ क्योंकि वो खुद ही कहते हैं आई एम सो टायर्ड ऑफ पीपल टैलिंग नो दैट आई हैव अ प्रिटी फेस टेलिंग मी की मुझे मतलब कि मैं थक गई हूँ कि जब मुझे लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरा प्रिटी फेस है तो इस सेंटेंस से पता लगता है कि भाई हाँ उसका प्रटी फेस ही था हाउ डिज द गर्ल फील अबाउट जर्निंग बाई ट्रेन वो गर्ल कैसा फील कर रहती है शी सेड दैट शी कुड नॉट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन टू और थ्री आवर्स वो कहती थी कि भी वो दो या तीन घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती है राइट एंड वट वॉज इट्स अबाउट द गर्ल दैट अपील टू द नरेटर ठीक है ऐसा क्या होता है गर्ल के बारे में जो नरेटर को अपील करता है ही लाइक दर वॉइस क्योंकि उसको उसकी वॉइस बहुत पसंद थी डैट हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम और उसकी वो कैसे तारीफ करते हैं कि जैसे माउंटेन की स्ट्रीम में से साउंड आती है ठीक है तो इस तरीके से वट डिड द गर्ल डू बिफोर द ट्रेन कम टू अ अट एट द स्टेशन ऑफ हर डेस्टिनेशन ठीक है तो क्या होता है जैसे मतलब कि वो स्टेशन में उसके डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले शी गॉट टू कलेक्ट हर थिंग तो वो अपनी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देती है हाउ डिड द नरेटर नो दैट इट वॉज अ गर्ल आंट हु हैड कम टू रिसीव हर एट द स्टेशन और नरेटर तो को कैसे पता चलता है कि उसकी आंट अगर स्टेशन पे उसको स्टेशन पर लेने के लिए आएगी द गर्ल हैड टोल्ड द ऑल्टर क्योंकि गर्ल ने अपने आप इन नरेटर को बताया था कि हर आंट वुड कम टू रिसीव हर एट द स्टेशन की जो उसकी आंट उसको स्टेशन पर रिसीव करने के लिए आएगी वट डिड नरेटर विश टू डू व्हेन द गर्ल सेड गुड बाय टू हिम ठीक है नरेटर क्या चाहता है मतलब कि जब गर्ल होती है उसको गुड बाय करने के लिए आती है ही वॉन्टेड टू रेज हिज हैंड एंड टच हर हेयर और वो मतलब अपने हैंड्स को उठाना चाहता है उसके हेयर्स टच करना चाहता है what could have been the cause of a confusion in the doorway when the girl was getting down from the train aur aisa kya hota hai ki jab wo matlab ki girl hoti hai wo train mein se darwaze mein se utar rahi hoti hai the man who was getting into the compartment might have bumped against the girl. ठीक है जो man दो बाजी से वो उतरती है कंपार्टमेंट में से जैसे दूसरा man जो चढ़ रहा होता है शायद उस, उसके bump से टकराया होता है ठीक है बैक साइड को बोलते हैं bump What did the narrator ask the new passenger about the girl? He asked him whether the girl had long hair or short hair. जब narrator है जब नए पैसेंजर से वो चढ़ता है गर्ल के तो वो सब पूछता है कि भाई तुम्हारी जो उस जो गर्ल थी वो उसके लॉन्ग हेयर थे शॉर्ट हेयर थे How did the narrator come to know that the girl he had been ट्रैवलिंग with was also blind? और नरेटर को कैसे पता चलता है कि जो गर्ल उसके साथ चढ़ रही होती है ट्रेवलिंग के दौरान क्योंकि तो वो ब्लाइंड होती है इट वॉज़ द न्यू पैसेंजर हु टोल्ड हिम दैट द गर्ल वॉज ब्लाइंड ठीक है क्योंकि जो नया पैसेंजर होता है जो चढ़ता है वो उसको बताता है कि गर वॉज ब्लाइंड और ये स्टोरी मतलब इतनी ह्यूमरस है कि वो नरेटर भी ब्लाइंड होता है और वो गर्ल भी ब्लाइंड होता है लेकिन आपस में एक दूसरे को पता नहीं लगने देते लेकिन एंड में उसको नरेटर को तो पता चल जाता है लेकिन गर्ल को पता चला या नहीं पता चला ये हमें नहीं पता चलता ठीक है तो इसके क्वेश्चन आंसर थे बुक वर्क हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते ओके बाय